आदमी पार्टी ने संगठन निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हरियाणा के अंदर पार कर लिया है। हमने हरियाणा का 4000 पदाधिकारियों के संगठन की शपथ तो पहले ही कराई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के, लोकसभा लेवल के और ऊपर के सब पदाधिकारी मौजूद थे। अब हमने हर गांव के अंदर 21 सदस्यीय कमेटी का निर्माण कर दिया है और ग्राम सचिव नियुक्त कर दिए हर गांव के अंदर। इसका मतलब ये कि आज हरियाणा के हर गांव में आम आदमी पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं, अपने पदाधिकारी हैं, अपना संगठन तैयार है। ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था जो हमने पार कर लिया। हरियाणा में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा संगठन आज के दिन आम आदमी पार्टी का है। अब हम एक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। संदीप पाठक जी वही रणनीति बताने के लिए, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। हर लोकसभा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनको आगे की पार्टी की रणनीति बता रहे हैं, आगे के अभियानों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और 2024 में सरकार कैसे बनानी है वो सारे गुर सिखा करके जा रहे हैं। इसके बाद बड़े पॉलिटिकल अभियान की शुरुआत होगी, जिसका समापन 2024 में हरियाणा में सरकार बनने के बाद ही होगा। कि 90 विधानसभा सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। हर विधानसभा सीट पर हमारा मजबूत संगठन तैयार है, गांव-गांव में कार्यकर्ता तैयार हैं। हमारी कोशिश होगी, इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और शायद आगे भी ना हो पाए, हमारी कोशिश होगी कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर ऐसा मजबूत चुनाव लड़ें कि सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाए। मुफ्त में तो मैंने पूछा था सीएम साहब से, उन्होंने ही कहा था कि आम आदमी पार्टी के लोग मुफ्त खो रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि 4000 यूनिट मुख्यमंत्री जी आपको फ्री मिलती हैं, आपको घर मुफ्त में मिला हुआ, आपको गाड़ी मुफ्त में मिली हुई है, हेलीकॉप्टर मुफ्त में मिला हुआ है, जहाज में फ्री में ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में फ्री में ट्रेवल करते हैं। तो सबसे बड़ा अगर कोई मुफ्त खोर है, अगर पूरे हरियाणा में किसी से भी पूछ लो तो सारे लोग बता देंगे कि कौन सबसे बड़ा मुफ्त खोर है। इसलिए दूसरों को मुफ्त खोर कहने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप किन किन मुफ्त सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा, ये तो आम आदमी पार्टी का प्रण है कि हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं फ्री में और वर्ल्ड क्लास उपलब्ध करा के रहेंगे। इनमें जितनी ताकत हो हमें रोकने की उतनी ताकत लगा दें, जितना पैसा लगा सकते हैं उतना पैसा लगा दें। 2024 में हरियाणा के लोगों को फ्री बिजली भी मिलेगी और 24 घंटे बिजली भी मिलेगी, फ्री इलाज भी मिलेगा और वर्ल्ड क्लास अस्पताल भी मिलेंगे। ये रोक नहीं पाएंगे हमको, क्योंकि आम आदमी अब जाग गया। आम आदमी चाहता है कि 56 साल से जो हरियाणा के अंदर नहीं हुआ वो काम की राजनीति अब होनी चाहिए, इसलिए आम आदमी चुनाव लड़ेगा। इनको गलतफहमी ये रहती है कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी का तो सिर्फ चुनाव निशान होता है, झाड़ू का निशान, दरअसल चुनाव आम आदमी लड़ता है। और जब आम आदमी चुनाव लड़ता है तो फिर कोई सामने खड़ा नहीं हो पाता। सदस्यता अभियान चलाया था तो हरियाणा से करीब 12 लाख लोगों ने सदस्यता ग्रहण की थी आम आदमी पार्टी की। आप खुद सोच के देखिए, आज तक हरियाणा के इतिहास में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने 4000 पदाधिकारियों को एक साथ शपथ दिलाई हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। हर गांव के अंदर किसी भी पार्टी की 21 सदस्यीय कमेटी हो ऐसा भी मुझे स्मरण में नहीं आता। इसलिए ऐसा संगठन मुझे नहीं लगता हरियाणा में इससे पहले किसी पार्टी ने बनाया है, जितना मजबूत संगठन आम आदमी पार्टी ने तैयार किया है। इसलिए इस संगठन का कोई तोड़ ना भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना इनेलो के पास है, ना जेजेपी के पास है। इसलिए ये लोग जात पात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, हम काम की राजनीति करते हैं। दिल्ली में किया हुआ एक एक काम, पंजाब में किया हुआ एक एक काम लोगों तक गांव-गांव में पहुंचाएंगे और उनको अपने साथ जोड़ेंगे।